नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, मतलब कि हम बात करेंगे TTML के बारे में। इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं, इसमें कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज़ निकल के आती है या जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है तो हमने आपको हर एक न्यूज़ को हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप तक पहुँचाया है। तो इस स्टॉक में अभी जो हाल देखने मिल रहा है, लगातार इस शेयर में तेजी तेजी हमें देखने मिल रही है और रोज जो है इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट देखने मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले इसमें दो दिन जो है लोअर सर्किट भी लगे थे और काफी पैनिक क्रिएट हो गया था। हमने आपको बोला भी था कि इसमें गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन उस गिरावट के बाद ये फिर से आपको ऊपर चढ़ता हुआ थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। इसमें दोबारा से जो है तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। और देखिए, इसमें तेजी अभी आई भी और लगातार देखिए दो दिन तीन दिन इसमें फिर से अपर सर्किट हमें देखने को अभी मिल रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में कि ये अपर सर्किट आपको कब तक इसमें देखने को मिलने वाले हैं, ये शेयर कहाँ तक ऊपर चढ़ने वाले हैं अभी अभी हाल फिलहाल में। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी इसमें क्या रखनी चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए आपको अपनी नेक्स्ट मूव इसमें क्या लेनी है, इसमें आपको होल्ड करना है या आपको इसमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा इसके हम लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव देखेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको ये शेयर कहाँ तक ऊपर जाता हुआ देखने मिलने वाला है और आपको फ्रेश बैंक अगर इसमें करनी है तो फ्रेश बैंक क्या आपको अभी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि TTML में आज के दिन कैसे क्या ट्रेड देखने को मिल रही है। देखिए, आज इसमें ऑलमोस्ट 4.96% की जो है आज फिर से तेजी देखने को मिली। 3.60 रुपये की जो है शेयर में आज भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। ओपनिंग देखिए इसमें हुई थी 76.20 रुपये पर। ओपनिंग के बाद देखिए इसमें 5 मिनट के बाद ही देखिए अपर सर्किट लग गया था और पूरे दिन इसमें अपर सर्किट हमें देखने को मिला है। बात करें 1 वीक की, तो 1 वीक में देखिए ऑलमोस्ट 9.87% इसकी रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 6.85 रुपये की तेजी इसमें एक सप्ताह में हमें देखने को भी मिल चुकी है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में ऑलमोस्ट 37.02% इसके रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। ऑलमोस्ट 20.60 रुपये की जो है तेजी इसमें देखने को मिली है एक महीने में। देखिए, इसने बार बार अपना हाई मतलब चल रहा है। देखिए, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर से ऊपर चढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कि अपना हायर हाई अपना वाला पैटर्न जो है अभी इसमें देखने को मिल रहा है और ये शेयर अभी ऊपर की तरफ हमें और भी चढ़ने को देखने को मिलने वाला है। बात करें इस कंपनी के वॉल्यूम्स की कि आज कैसे क्या वॉल्यूम इसमें ट्रेड कैसी हुई है। देखिए, इसमें वॉल्यूम जो था आज ऑलमोस्ट 39,46,772 शेयरों की ट्रेड हुई है। ऑलमोस्ट 63.24% शेयरों की जो है इसमें डिलीवरी आज देखने को मिल रही है। और देखिए, इसमें अभी देखिए बाइंग जो ऑर्डर सेलिंग साइड पर थे, जब दो दिन इसमें लोअर सर्किट लगा था, जो ऑर्डर सेलिंग साइड पर थे अब वो दोबारा से ऑर्डर बाइंग साइड पर आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 12,56,825 शेयरों के इसमें बाइंग ऑर्डर लग चुके हैं, जो अभी इसका करंट प्राइस है 76.25 रुपये पर। इसमें जो है दोबारा से लोग बाइंग करने की सोच रहे हैं कि इसमें अभी भी मौका है कि बाइंग कर लें, तो लोग इसमें अभी भी बाइंग के ऑर्डर अपने पहले से ही लगाए हुए बैठे हैं। अगर इसमें देखें कि कैसे क्या इसमें जो है अभी अपने जो एनालिटिक्स हैं और अपने एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आप देखें मनी कंट्रोल की अपनी साइट पर तो लगातार इसमें जो है अच्छे अच्छे स्टेटस में देखने को मिल रहे हैं और कंपनी की जो अच्छी अच्छी खबरें निकल के आ रही है। तो आप देखें 99% जो है अपने अगर बात करें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट जो सेंटीमेंट्स हैं वो बाइंग की साइड पर है और 1% होल्ड, मतलब कि 1% जो है अपने सेलिंग के लिए नहीं, मतलब कि कोई भी इसको सेलिंग करने के लिए तैयार नहीं है, सब इसको बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं या फिर इसको अपना होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं कि इसको होल्ड करें आप। तो काफ़ी अच्छे जो है अभी इसमें स्टेटस लेकर के आ रहे हैं कि मतलब कि लोग इसमें अभी भी इंटरेस्टेड हैं और लगातार इसमें आपको और भी बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। जब क्योंकि जब लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और ऑपरेटर भी इसको जो है अपना हैंडल कर रहा है अच्छे तरीके से, तो इसमें आपको भी काफ़ी अच्छी तरीके से पैसा बनने वाला है आगे आने वाले समय में। बात करें कंपनी की, तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी आपको देखने मिलने वाली, क्योंकि ये इस कंपनी लगातार अपने आप को ग्रो कर रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से हाल फिलहाल में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। अगर बात करें इनके रिजल्ट की भी, तो रिजल्ट भी इनके नेगेटिव में रहे थे, जिसकी मैं पूरी अपेक्षा थी कि इनके रिजल्ट नेगेटिव में रहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक नेगेटिव में ये इस बार कम देखने को मिले। मतलब कि जून क्वार्टर से बात करें या सितंबर क्वार्टर से लास्ट ईयर वाले, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, काफ़ी अच्छी नेगेटिविटी को कम किया था, मतलब कि कंपनी जो है बहुत जल्द आपको प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है। जैसे कंपनी आप बात करें तो अपना जो छोटे एंटरप्राइज हैं उन पर फोकस कर रही है, डिजिटल की तरफ कंपनी बहुत ज़्यादा जो है शिफ्ट हो रही है। तो बिल्कुल तय बात है, जितनी ज़्यादा ये कंपनी डिजिटल की तरफ शिफ्ट होगी और बड़ी कंपनी जब इनसे जुड़ जाएंगी तो इस कंपनी को मल्टी बैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये शेयर देखिए अभी भी देखिए ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और जैसे जैसे ये कंपनी आगे जाएगी ये अपने लगातार अपने और सारे ऑल टाइम जो हाई है उसको तोड़ते हुए और भी आगे बढ़ने वाला है ये शेयर। तो अगर आपकी बात करें कि अगर आपको इसमें ऑलरेडी आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको अपनी नेक्स्ट मूव क्या लेनी है, तो देखिए इसमें आप थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं। तो अलर्ट क्यों रह सकते हैं, देखिए उसका रीज़न जो है वो है आपका, देखिए ये ओवरबॉट जोन में पहुँचने को तैयार है, तो इसमें हल्का फुल्का आपको फिर से डिप देखने को मिल सकता है। तो आपका टारगेट जो है अभी के लिए है, वो आपका टारगेट रहेगा कौन सा, आपका टारगेट नंबर 1 है वो है ऑलमोस्ट 80 रुपये का। अभी के लिए आपका टारगेट 1 है 80 रुपये का
और आपका सपोर्ट जो रहेगा अभी वो रहेगा 70 रुपये। ये आपका काफी अच्छा रेजिस्टेंस था। जब रेजिस्टेंस टूटता है तो आपका वो काम करता है किसका, वो आपका काम करता है सपोर्ट का। तो आपका जो है आपका अब आप टारगेट नंबर वन रहेगा कौन सा, 80 रुपये के आसपास का आपका रहेगा टारगेट नंबर वन। ये आपका रहेगा टारगेट नंबर वन 80 रुपये का। जब ये टारगेट अचीव होगा तो आप इसके आगे की टारगेट हम बात करेंगे। तो अभी आपका फोकस होगा कौन से रुपये, आपका टारगेट होगा कौन से पे, 80 रुपये पर। जैसे ये टारगेट अचीव होगा, अगर देखिए ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा, अगर ये आपका 80 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है, कम से कम 2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, होल्ड करना, अगर ये 80 रुपये के ऊपर कम से कम 2 दिन सस्टेन करता है, और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन ना करे तो इसमें क्या करना है आपको, शॉर्ट टर्म वाले इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गिरावट फिर से आपको देखने मिलेगी, और ये फिर से आप जो नीचे के बाइंग प्राइस पर अपना नीचे के लेवल पर अपना फिर से बाइंग कर सकते हैं। तो मेरी पर्सनल सलाह आपको जो है कि आप शॉर्ट टर्म वाले का, आप अगर आपने शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा लगाया, आपने पैसा लगाने के लिए इसमें जो है शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया था, तो इसलिए आप क्या करें, 80 रुपये के बाद अगर ये ऊपर सस्टेन करें तो आप इसको होल्ड करें, अगर सस्टेन नहीं करता तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी क्योंकि आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी भी मंजूरी जरूरी है, बाकी मेरे जो पर्सनल व्यू है, अगर मैं आपकी जगह होता तो आपका शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं अपना पैसा लगाता वैसे तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा लगाता, अगर आपने शॉर्ट टर्म में लगा रखा है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 80 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोजिंग नहीं देता है तो। अगर ये नीचे आता है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, और नीचे की जब ये आएगा तो दोबारा से आप इसमें अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और आप लॉन्ग टर्म में अगर इसमें इन्वेस्ट किए हुए तो लॉन्ग टर्म में आप इसमें आराम से होल्ड करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ये 80 रुपये पर पहुंचेगा, बहुत जल्द आपको ये 160 रुपये पर, और बहुत जल्द आपको ये 1000 रुपये तक जाता हुआ देखने मिलेगा। टाइम लगेगा, देखिए टाइम देंगे शेयर मार्केट में तो आपको जरूर पैसा मिलेगा, अगर आप टाइम नहीं देंगे किसी भी स्टॉक में तो आप किसी भी प्रकार से पैसा नहीं बना सकते। देखिए ये स्टॉक जब गिरावट में आया था, देखिए कितनी महंगी गिरावट आई थी, ये 54 रुपीज़ से 33 रुपीज़ तक आ गया था, और बहुत लोग बोल रहे थे कि अब ये ऊपर नहीं जाने वाला, अब ये सीधे 5 रुपये पर जाएगा, सीधे कोई बोला था कि ये 2 रुपये जाने वाला है, लेकिन मैंने बोला था कि ये 33 रुपीज़ से आपको जल्दी अप ट्रेंड में देखने को मिलने वाला है। देखिए अप ट्रेंड आपको देखने को मिला, और ये शायद देखिए कितने तेज ऊपर चढ़ता हुआ अभी देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इसमें सब्र रखें, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें। और देखिए जिसने भी पेशेंस रखा होगा, जिसने भी हमारे एनालिसिस पर ध्यान दिया होगा, तो जरूर उन्होंने अपना पैसा डबल कर लिया होगा अभी तक जो है। और मुझे देखिए कितने कम समय में देखिए आपने अपना पैसा डबल कर लिया, देखिए हमने आपको यहाँ पर बोला था और 1 महीना के आसपास इसमें हुआ है, 1.5 महीना, और आपने पैसा अपना डबल कर लिया। तो ये कम स्टॉक होते हैं, बहुत कम स्टॉक होते हैं जो ऐसा काम कर पाते हैं, तो वो स्टॉक अपना TTML है, और इसमें पूरी क्षमता है कि आपका पैसा डबल किया 4 गुना 5 गुना भी कर सकता है आगे आने वाले समय। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो जरूर अपना पैसा इस कंपनी से बनाएंगे, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो जरूर अपना लॉस कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखें और पेशेंस रखें, और अपने लेवल पर तो जरूर ध्यान दें, और अपना रिस्क मैनेज करें कि आप जितना रिस्क उठा सकते हैं उतना ही पैसा लगाएं, ज़्यादा पैसा इसमें न लगाएं। आप जो है उतना ही पैसा निवेश करें जितना, अगर आपका थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए ऑपरेटर की रैली में इसमें पैसा भी और बनेगा, और ऑपरेटर इसको अभी और ऊपर ले आने वाले हैं, तो इसमें अभी चिल करें थोड़ा सा, अब ना शॉर्ट टर्म के बेस वाले क्या करें, 80 रुपये पर थोड़ा सा ध्यान रखें। 80 रुपये पर जैसे ही पहुंचेगा, अगर ऊपर जाए तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, नीचे आए तो आप इसमें निकल सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक है, जब ऑपरेटर अपना हाथ खींचेंगे तो सीधे लगेगा लोअर सर्किट, और आप इसमें फिर से पैनिक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रख सकते हैं। दोस्तों यहीं तक था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यारंप बना रखें, और अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।